हाँ शुरू करूँ सोनू? करूँ? करूँ शुरू सोनू? आवाज आ रही है? नमस्कार, मैं पवन कुमार शर्मा, आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से इस व्याख्यान वाला में उपस्थित सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ सहयोगी बंधु भगिनी एवं विद्यार्थियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने इस वैश्विक महामारी के संकट की घड़ी में भी अपने शैक्षिक क्रियाकलाप निरंतर रखे हुए हैं। मैं आज आप लोगों के सम्मुख पाश्चात्य शिक्षा द्वारा देशज विद्या के विस्थापन और उसका जो उपनिवेशी वृत्तांत है उस पर बात रखने की कोशिश करूँगा। आप सब लोग शिक्षा जगत, विशेषकर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन से संबंधित महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से संबद्ध हैं। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इसलिए आप सबको लग सकता है कि राजनीति विज्ञान वाले शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा समझ नहीं रखते होंगे, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे आप लोगों के साथ भी 3 वर्ष कार्य करने का अवसर मिला है। उसके बाद से मुझे विषयों के मध्य में कोई भेद सामान्यतः नज़र आता नहीं है। सभी विषय गागर में सागर और सागर में गागर जैसे होते हैं, हम अपनी अल्पज्ञता के कारण उनमें विभेद पैदा करते हैं। भारतीय परंपरा में कभी भी विषयों का स्पष्ट विभाजन रहा नहीं था। जैसे जैसे समाज और सृष्टि का विस्तार होता चला गया, वैसे वैसे ही समाज की आवश्यकता के अनुसार विषय भी पृथक होते चले गए और कालांतर में फिर उनके एकात्म और सातत्य की आवश्यकता के अनुरूप फिर उनमें अंतः संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। वर्तमान में हम उसी अंतः संबंध वाली प्रक्रिया के युग में जी रहे हैं। मैं जो बात आपके सम्मुख रखूंगा आज, उनमें से बहुत सारी बातों में से आपकी असहमति हो सकती है। मैं आपकी असहमतियों का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी बात को आप सुनेंगे, पसंद आएगी तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मुझे संबल मिलेगा। असहमति होगी तो भी कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने अध्ययन मनन के माध्यम से वादे वादे जायते तत्वबोध की जो हमारी संकल्पना है उसके मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। मैं 2-3 बातें अपना विषय प्रारंभ करने से पहले आपको बताना चाहता हूं। बहुत पुराना नहीं जाऊंगा, मेगस्तनीज का कालखंड लगभग 2,350 वर्ष पूर्व। मेगस्तनीज भारत आता है अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तिका, जिसके कुछ अंश ही हमको वर्तमान में प्राप्त हो पाए हैं, उसमें लिखता है कि मैं पाटलिपुत्र तक जिन जिन मार्गों से होता हुआ पहुंचा था, उन मार्गों में कहीं पर भी मुझे गरीबी, भुखमरी और
अशिक्षा देखने को नहीं मिली। ऐसा ही कुछ उसके बाद में आए हुए विदेशी यात्रीगण फाइयान, हुएनसांग, इतजिंग, अलबरूनी, बर्नियर तक ऐसा ही लिखते हैं। मार्को पोलो इटालियन व्यापारी है, समुद्र मार्ग से व्यापार करता है। वह भी अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखता है कि जब मैं चीन से होता हुआ भारत के जल पत्तनों के सामने से गुजरा तो भारत के जल पत्तन मुझे विश्व के किसी भी जल पत्तन से ज़्यादा समृद्ध और व्यवस्थित दिखाई दिए। ये 12वीं शताब्दी तक की बात मैंने आपके सम्मुख रखी है, जिससे ये ध्यान में आना शुरू हो जाए हमारे सामने कि कभी भी ऐसा रहा नहीं। मैं मध्यकाल की बात करता तो आपको लगता कि मध्यकाल की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ा प्राचीन काल में क्या था, इसलिए मैंने कुछ बातें प्राचीन काल की रखी और दो तीन बातें मध्यकाल की रखूँगा, फिर विद्या क्या है वो समझाने का प्रयास करूँगा। मध्यकाल में भारत का व्यापार पश्चिम के साथ कई हजार वर्ष पुराना है, यह आज का नहीं है। हमारा यूनान के साथ संबंध रहा कई हजार वर्ष पूर्व, अमेरिका के साथ रहा, ऑस्ट्रेलिया के साथ रहा, अब ये प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृतियों का आदान प्रदान हमने किया है, ये प्रमाण भी हमारे पास अब उपलब्ध हैं। इसलिए हमारी समृद्धि से प्रभावित होकर यूरोप के देशों ने भारत के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए जल मार्ग के द्वारा भारत की यात्रा प्रारंभ की, जिसको वो कहा करते हैं कि भारत को खोजा। वस्तुतः वो टर्म अपने में इनकम्प्लीट है, क्योंकि खोजा उसको जाता है जो कहीं खोया हुआ होता है। हम तो ऑलरेडी थे, पाए हुए ही थे, तभी तो विश्व के साथ व्यापार करते थे। यदि खोए हुए होते तो व्यापार कैसे करते। इसलिए उन्होंने हम तक आने के मार्ग ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि उनको लगता था जिस देश के व्यापारी हमारे यहाँ आकर इतना अच्छा व्यवसाय करते हैं और अपनी शर्तों पर करते हैं, यदि उस देश के ही सीधे उत्पादक वर्ग से हम माल खरीदने लगेंगे तो हम यूरोप में लाकर उसको ज़्यादा महंगे दामों पर बेच पाएंगे और हमारी जो बचत का हिस्सा है वो वृद्धि को प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की। पहली यात्रा स्पेन से शुरू हुई। कोलंबस की विशेषता के गुणगान में यहाँ पर नहीं बोलूँगा, वो मार्ग भटक गए और अमेरिका पहुँच गए, और भारतीयों के साथ साम्यता थी क्योंकि अमेरिका और भारत का कई हजार वर्ष पुराना संबंध रहा है। इसलिए उनको लगा कि भाई ये तो इंडियन है लेकिन थोड़े रेड टाइप के हैं। और उसके बाद में फिर दूसरी यात्रा पुर्तगाल से शुरू हुई, जो वास्को डी गामा नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में शुरू हुई। संयोग देखिए, वह भी रास्ता भटक गया था, लेकिन संयोग उसका यह देखिए कि रास्ते में उसे गुजरात का एक व्यापारी मिल गया और उस गुजरात के व्यापारी ने, यह भी बड़ा अजब संयोग है कि जब जब विश्व मार्ग भटकता है तब गुजरात से मार्ग दिखाने के लिए कोई ना कोई अग्रदूत पैदा होता है, भगवान कृष्ण की मान लीजिए और वर्तमान में भी। तो उस गुजरात के व्यापारी ने जो सूरत जा रहा था, वास्को डी गामा के जहाज का लंगर अपने जहाज के साथ जोड़ लिया और इस प्रकार से भारत के समुद्र तट तक वो उसको ले आया। इस प्रकार से वास्को डी गामा की यात्रा पूरी हुई, नहीं तो वास्को डी गामा भी रास्ता भटककर पता नहीं कौन से देश पहुंचते। और यहां पर आकर जो उन्होंने सुख और समृद्धि और वैभव और संपदा देखी उससे वो अचंभित रह गए और फिर उन्होंने यह तय किया कि हम भारत के साथ व्यापार करेंगे।
इसलिए देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनियों के गठन होने लगे। उनमें ब्रिटेन में भी, इंग्लैंड में भी एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन इसलिए हुआ, राधा कुमुद मुखर्जी ने राइज एंड फॉल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक किताब लिखी है, उसमें विस्तार से इन सब विषयों पर चर्चा है। इसलिए उसके अध्ययन के बाद में ध्यान में आता है कि जितना रिजर्व कैपिटल, जिसको हम संचित पूंजी बोलते हैं, वो सामान्यतः दो चार व्यापारियों के पास नहीं थी। भारत के साथ व्यापार करना था, इसलिए रिजर्व कैपिटल का जो अमाउंट था वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, और इसलिए उस अमाउंट को ज्यादा करने के लिए ब्रिटेन के छोटे छोटे व्यापारी, संभवतः 26 थे, वो एकीकृत हुए, और एक होने के बाद में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और फिर रानी से आज्ञा पत्र प्राप्त किया, जिसको चार्टर बोलते हैं, और उन आज्ञा पत्र को प्राप्त करके वे भारत आए। वो आज्ञा पत्र संभवतः 14 या 15 वर्ष का था, कि इतने साल तक भारत के साथ ये लोग व्यापार कर सकते हैं। भारत आए, भारत में व्यापार शुरू किया। जब वो चार्टर खत्म होने वाला है, तब ब्रिटिश रानी का एक दूत, जिसका नाम सर टॉमस रो है, वह भारत आया। उस समय जहांगीर का शासन है, अकबर के बाद। वो टॉमस रो मिशन टू मुगल एम्पायर नाम का जो उनका शोध पत्र है, उसमें ये बात बड़े रोचक तरीके से लिखते हैं कि जब मैं 1614 में पहली बार अजमेर में, सूरत में, जहांगीर का जो बेटा है खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया, ये पश्चिमी क्षेत्र का सूबेदार जैसा था, सूरत केंद्र था, जब ये उसके दरबार में पहुंचे तो टॉमस रो लिखते हैं कि दरबार की शानो शौकत देखने लायक थी, और राजकुमार एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था, दरबार सामंतों से और अन्य सभासदों से भरा हुआ था, लेकिन कोई भी बैठा हुआ नहीं था, सिर्फ राजकुमार बैठा हुआ था। मैं जब दरबार में गया तो मुझसे कहा गया कि माथा जमीन पर टेक कर मैं राजकुमार को अभिवादन करूं, नमस्कार करूं। वो लिखता है, मैंने माथा तो जमीन पर नहीं टेका, लेकिन अपना हैट उतार लिया, जो टोपा था वो उतार लिया, और सिर झुकाकर नमस्कार किया। तो वो लिखता है कि राजकुमार ने मुझे कोई बहुत तवज्जो नहीं दी, मैं थक गया था। मैंने दरबारियों से कहा कि आप मुझे बैठने की कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या? उन्होंने कहा, नहीं, दरबार में कोई बैठेगा नहीं, सिर्फ राजकुमार बैठते हैं, बाकी सब खड़े रहते हैं। तो वो लिखता है कि सबके खड़े होने के साथ, जिन खंभों के साथ छत्रियां आदि टिका दी जाती थीं, मुझसे कहा गया कि ठीक है, इस खंभे से टेक लगाकर खड़े हो जाओ। और टॉमस रो लिखता है कि खंभे के साथ टेक लगाकर खड़ा होना मुझे बहुत सम्मानजनक लगा। और दूसरा उद्धरण, चौदह का ही है, अजमेर में जहांगीर ने कैंप किया हुआ है, उस कैंप में
जहांगीर से मिलने के लिए टॉमस रो जाता है और टॉमस रो लिखता है कि अजमेर के शहर के बाहर पूरा तंबू डेरों का, जिनको हम टेंट बोलते हैं, पूरा एक अलग नगर बसाया गया है। उस नगर को देखकर लगता ही नहीं है कि हम किसी टेम्परेरी नगर में आ गए हैं। वो नगर इतना परफेक्ट है अपने में कि उसको देखने के बाद में मुझे हिंदुस्तान के कारीगरी पर आश्चर्य होता है कि कितने अद्भुत कारीगर यहाँ पर हैं। और उस नगर का जो श्रेणी से विभाजन हुआ है वह भी देखने लायक है। राज परिवार के लोगों का अलग नगर है, मंत्रियों का अलग नगर है, सभासदों का अलग नगर है, व्यापारियों का अलग नगर है, सेना की छावनी अलग है, कारिंदों का अलग नगर है, और जो सामान्य कर्मचारी हैं उनका नगर अलग है। हजारों की संख्या में तंबू डेरे वहां पर लगाए गए हैं। वो लिखता है, मेरे लिए अद्भुत अनुभव है कि भारत में इतने उच्च कोटि के कारीगर रहते हैं, मुझे पहली बार पता पड़ा। जहांगीर को वो भेंट देते हैं जो उनके रानी ने उनको दी थी देने के लिए। जहांगीर उन भेंटों को कोई बहुत तवज्जो नहीं देता। बिचौलिया बीच में था, वो बात कर रहा है, जहांगीर उस बिचौलियों को हटा देता है और सीधे डायलॉग स्थापित करता है। और वो लिखता है, जहांगीर को लाई हुई भेंट में से कोई भी भेंट पसंद नहीं आई। पसंद क्या आया तो वो लिखता है, जो स्कॉटिश ग्रे हाउंड नाम के नस्ल के कुत्ते में लाया था वो कुत्ते जहांगीर को पसंद आए, बाकी कोई भी चीज जहांगीर को पसंद नहीं आई। बड़ा अद्भुत विषय है कि इंग्लैंड के पास भारत के सम्राट को देने के लिए कोई अच्छी चीज नहीं थी, और उस समय के सम्राट को पसंद भी किया है तो वो कुत्ते पसंद आए। और टॉमस रो लिखता है कि मुझे बताकर भेजा गया था कि सम्राट बहुत महान है, बहुत संपन्न है, उसके राज्य की सीमाएं भी बहुत विस्तृत हैं। और फिर वो लिखता है, बाद में मेरी उनके साथ थोड़ी बहुत मित्रता हो गई थी जहांगीर के साथ, तो जहांगीर ने एक दिन उनको अपने जन्मदिन पर आमंत्रित किया। और जन्मदिन पर आमंत्रित करने के बाद उन्होंने टॉमस रो को सोने के प्याले में, जिसमें फिरोजा, मूंगा और माणिक के जड़े हुए थे, उसमें शराब परोसी। तो वो कहता है कि यह भी मेरे लिए अद्भुत अनुभव था। और मेरी आंखों की चमक देखकर जहांगीर ने वो प्याला मुझको भेंट कर दिया। यह वाकया है 1614 का। 1757 प्लासी का वह युद्ध जो हुआ ही नहीं था, मीर जाफर ने तो समर्पण कर दिया था, इसने युद्ध नहीं हुआ। उस समर्पण के बाद जब लॉर्ड क्लाइव अपनी सेनाओं के साथ जलूस के रूप में मुर्शिदाबाद शहर में घुसा, तो वो लिखता है, मुर्शिदाबाद शहर की जो समृद्धि है वो इंग्लैंड की चमक को फीका कर देती है, ऐसा समृद्ध भारत था। सोने की चिड़िया यों ही नहीं कहलाता था, और ये एक दिन में नहीं बना था, इसको सालों साल जो इसने व्यापार किया था पश्चिम के साथ, और यह व्यापार 100% स्वदेशी था, लोकल। और इस लोकल का, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल, मैं कहता हूं लोकल का भोकाल इतना ज्यादा था कि पूरा पश्चिम उस भोकाल के आगे नतमस्तक था। भारत के साथ संबंध बनाना चाहता था, इसलिए 17वीं शताब्दी तक का भारत ऐसा है। और यह भारत ऐसा क्यों है,
क्योंकि भारत में विद्या व्यवस्था का प्रचलन है। दो किताबें एन एन लॉ, नरेंद्र नाथ लॉ साहब के द्वारा लिखी गई हैं। एक किताब है प्रमोशन ऑफ लर्निंग इन इंडिया इन मोहम्मडन पीरियड, और इसी किताब का दूसरा भाग मान लीजिए प्रमोशन ऑफ लर्निंग इन इंडिया बाय अर्ली यूरोपियन सेटलर्स अप टू द 1800th century। इन दोनों किताबों को जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि कैसा था 18वीं शताब्दी तक का भारत, कैसी थी यहाँ की विद्या व्यवस्था, और उस विद्या व्यवस्था के बल पर भारत विश्व में अपना डंका बजाता था। भारत की सांस्कृतिक उपनिवेश जहाँ जहाँ भी स्थापित हुए हैं वो भारत के व्यापार के बल पर हुए। भारत कभी भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इंटेंशनली नहीं गया, वो व्यापारिक समाज था, कमर्शियल कम्युनिटी था। ऋग्वेद काल से वो व्यापार करता है, समुद्र मार्ग से व्यापार करता है, थल मार्ग से भी व्यापार करता है। वो व्यापार करता है तो अपने साथ अपनी संस्कृति भी लेके जा रहा है, और जो स्वाभाविक रूप से जो संपन्न होता है उसकी संस्कृति को सभी लोग अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। इसलिए अनेक देशों ने भारत की संस्कृति को अपना हिस्सा बनाया। लेकिन जब 1757 के कुछ साल बाद 64 के आसपास 1857 के बाद जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उसके बाद जो संधियां वगैरह हुई, उसके बाद जो अंग्रेजों ने अपना रुख भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति बदलना शुरू किया है वह हमारे लिए सोचनीय है। जो अंग्रेज भारत के राजाओं के दरबार में आने पर अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, जो भारत की समृद्धि के आगे नतमस्तक हैं, धीमे धीमे जैसे जैसे भारत पर उनका व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित होता जाता है और उस व्यापारिक प्रभुत्व के आधार पर वो देसी राजाओं के साथ अपनी शर्तों के आधार पर संधियां करते चले जाते हैं, उन संधियों के कारण उनका व्यवहार भी समानांतर बदलना शुरू हो रहा है, और जो पहले उनके स्वभाव में विनम्रता थी अब उनके स्वभाव में थोड़ा दंभ आना शुरू हो रहा है। ये स्वाभाविक है, जैसे जैसे आपका विस्तार होगा, चाहे वह आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या उपनिवेशी हो, आपका स्वभाव परिवर्तित होगा ही। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपना स्वभाव परिवर्तित नहीं करते। अंग्रेजों ने भी परिवर्तन करना शुरू किया। ये जो स्वभाव बदलना शुरू हुआ अंग्रेजों का, ये इसलिए बदलना शुरू हो गया क्योंकि विद्या व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा और अंग्रेजों से अभी प्रेरित होकर हमारे ही समाज के कुछ गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा अपने से अलग की जाने लगी थी, और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको हम अंगीकार करने लगे थे। इसलिए हम अंग्रेजों के सामने पिछड़े हुए माने जाने लगे, इसलिए हम अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होते हुए से प्रतीत होने शुरू हुए। ऋग्वेद से लेकर 18वीं शताब्दी तक का कोई भी साहित्य ऐसा नहीं है जिसमें शिक्षा शब्द इस रूप में प्रयुक्त हुआ हो जिस रूप में हम आजकल करते हैं। सभी जगह
विद्या शब्द का प्रयोग होता है, चाहे वे वेद हैं चाहे वे उपनिषद हैं। तो ये विद्या है क्या, विद्या से अभिप्राय क्या है? मुंडक उपनिषद लिखता है द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह इस्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चै वा परा चै। मुंडक उपनिषद क्या कहता है, अपरा से अभिप्राय वेद और वेदांग, अपरा माने यह लोक जिसको हम मृत्यु लोक बोलते हैं, भूलोक बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, इसको उन्होंने कहा गया है यह लोक अपरा विद्या से साधा जाता है। तो अपरा विद्या क्या है, तो वो कहते हैं वेद और वेदांग अपरा विद्या है। और परा विद्या क्या है, परा विद्या माने इस लोक से जो परे है उसको जानने और समझने की जो विद्या है उसको परा कहा गया है। ईश उपनिषद में इनको दोनों को विद्या के रूप में ही समाहित किया गया है। वो कहते हैं विद्या क्या है, तो वो कहते हैं विद्या के दो विभाग हैं। जैसे हम कहते हैं छठी कक्षा क्या है, तो समझाने के लिए कि छठी कक्षा के दो सेक्शन हैं, एक ए और एक बी। इसी प्रकार से जब पूछता है कि ये विद्या क्या है, तो वो कहते हैं कि विद्या माने अविद्या भी विद्या है और विद्या भी विद्या है। जब हम लोक बोलते हैं तो लोक के मतलब जड़ और जंगम, सब कुछ लोक है। इसी प्रकार से विद्या माने जो अविद्या है वह भी विद्या है और जो विद्या है वह तो विद्या है ही। आगे विद्या की व्याख्या भी वो मुंडक उपनिषद जैसे ही करते हैं। अंग्रेजी के कारण बड़ी समस्या हो जाती है। 1915 में एक किताब लिखी है डांस ऑफ शिवा, उसमें आनंद कुमार स्वामी विद्या वृद्धिया की परिभाषा तो करते हैं, लेकिन वो विद्या को कहते हैं कि विद्या जो है वो अविद्या जो है वो टीच रीडिंग है, पढ़ना, और विद्या क्या है, तो वो कहते हैं विद्या नॉलेज है। लेकिन अच्छा यह है कि ब्रैकेट में वो विद्या और अविद्या लिख रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इनके दोनों के अंतर है। यदि हम व्याख्या करते हैं इनकी, तो विद्या माने नोइंग है, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं गुणना, चिंतन करना, मनन करना, और जो अविद्या है वह नॉलेज है, ज्ञान, जान लेना। लेकिन अंग्रेजी के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, वो यहां भी है। इसलिए विद्या माने लोक और परलोक दोनों के अध्ययन और मनन का नाम विद्या है। समकालीन पाश्चात्य विद्वान भारतीय विद्वानों पर या भारतीय विद्या परंपरा पर यह आक्षेप लगाते हैं कि भारत में लोक का चिंतन नहीं किया गया है, सब कुछ अध्यात्म है, इसलिए वो इनकम्प्लीट है। अध्यात्म से जीवन कैसे चलेगा, यदि सब कुछ अध्यात्म रहा होता तो 18वीं शताब्दी तक के भारत का जो चित्रण मैंने आपके सम्मुख रखा है, जो इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है, तो वो इतना समृद्ध भारत कैसे बना होता। इसका मतलब भारत में लोक और परलोक दोनों समानांतर लेकर चले जा रहे हैं। विद्या को साधने के लिए उन्होंने कुछ आधारभूत स्तंभ तैयार किए, तो विद्या कैसे सधेगी, तो उन्होंने ऋण त्रयी की व्यवस्था दी है। ये ऋण त्रयी क्या है, तो वो कहते हैं पितृ ऋण, क्योंकि ईश्वर की इच्छा है, एको हम बहुस्यामः, सृष्टि का विस्तार ईश्वर की इच्छा है। इसलिए वो कहते हैं कि सृष्टि का जो विस्तार है वो ईश्वर की इच्छा है, इसलिए हमें ईश्वर की इच्छा की पूर्ति करने के लिए हमें पितृऋण से उऋण होना पड़ेगा। ये पितृऋण क्या है, कि जिस प्रकार से हमें हमारे पूर्वजों ने उत्पन्न किया है, जन्म दिया है,
उसी प्रकार से हम भी अपनी संतति को उत्पन्न करेंगे। तो ये संतति उत्पन्न कैसे होगी? तो संतति ऋण त्रयी से मुक्त होने के लिए उन्होंने आश्रम व्यवस्था का निरूपण किया, आश्रम व्यवस्था की प्रतिष्ठापना की। तो ये आश्रम व्यवस्था क्या है? तो विद्या अर्जन का जो कालखंड है वह ब्रह्मचर्य आश्रम है, और ब्रह्मचर्य के बाद जब विद्या अर्जित कर चुकता है मनुष्य है, तो वह गृहस्थाश्रम में प्रवृत्त होता है, और गृहस्थाश्रम में प्रवृत्त उसको अपनी दैहिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं, अपितु पितृ ऋण से उऋण होना भारतीय गृहस्थ धर्म का मूल आधार है। इसलिए संतान उत्पन्न करनी है, इसलिए वो गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त होगा। दैहिक पूर्ति की पुष्टि नहीं है उसके लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए महत्वपूर्ण पितृ ऋण से उऋण होना है। फिर वो आगे कहते हैं कि दूसरा ऋण क्या है, तो वो कहते हैं देव ऋण। अब ये देव ऋण क्या है? तो वो कहते हैं इस सृष्टि का जो संपादन ईश्वर के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा, पराभौतिक शक्तियों के द्वारा, जो भी हम मानते हैं, जो किया गया है उसको अक्षुण्ण रखना, वायु स्वच्छ रखना, पहाड़ों के द्वारा, जंगलों के द्वारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको अक्षुण्ण रखना, नदियां स्वच्छ रखना, वनों का संरक्षण संवर्धन करना, सभी प्रकार के जो जीव जंतु हैं, चर और अचर सभी प्राणियां का जीवन सुरक्षित रहे, क्योंकि जीवो जीवस्य जीवनम यह संकल्पना हमारी है। परस्पर अवलंबनता, इंटरडिपेंडेबिलिटी हमारी आवश्यकता है, इसलिए सब सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ हमको प्रदान किया है वह सब सुरक्षित रहे, वह सब सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, वह बिगड़ेगा तो हम भी बिगड़ेंगे। इसलिए पितृ ऋण के बाद देव ऋण, और इस माध्यम से हम प्रकृति का संरक्षण और संबंध का संवर्धन करेंगे, प्रकृति ने जो हमको दिया है उसमें वृद्धि करेंगे तो हम पितृ ऋण से उऋण होंगे। और तीसरा ऋण क्या है? तो वो कहते हैं ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या? हमको जो ज्ञान, हमको जो विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों के द्वारा, समाज के द्वारा जो प्राप्त हो रही है उसको हम आगे वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करते चलें, जिससे आगे वाली पीढ़ी भी समृद्ध हो जाए विद्या के माध्यम से। और ये तीन ऋण महत्वपूर्ण है। महाभारत ने एक ऋण और जोड़ दिया इसमें, महाभारत कहता है चौथा राष्ट्र ऋण भी है। तो इस प्रकार से वर्तमान में चार ऋण मान ले। प्रवीण कह रहा है कि गांधी जी ने कोई ट्रस्टी सिप का सिद्धांत, सही है बिल्कुल। हम न्यासी हैं, हम न्यासी के माध्यम से तेन त्यक्तेन भुंजिता, जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करेंगे, बाकी उपभोग में नहीं। हम भोगवादी नहीं है कि यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जिएंगे जिंदा जिएंगे, ऋण लेंगे और घी पिएंगे, ये ऐसा नहीं है। ये ऋण सिद्धांत ऐसा नहीं है कि पवन जी ने विद्या व्यवस्था में ऋण बताया था भैया ऋण लेंगे और घी पिएंगे, ये चार्वाक दर्शन है। इसलिए चार्वाक दर्शन का भी सम्मान है, लेकिन उसका हमने जीवन में अनुसरण नहीं किया, क्योंकि उससे ऋण त्रयी की व्यवस्था, न्यासी का सिद्धांत
खंडित होता है। तो ये विद्या को साधने के लिए हमने ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमने आश्रम व्यवस्था का प्रतिष्ठापना की। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। शास्त्र कहता है कि संन्यास लेने का अधिकार उसी को है जो पूर्व के तीनों आश्रमों से मुक्ति पा चुका हो। कोई जिम्मेदारी पूर्व के तीनों आश्रमों की उसके पास बची नहीं हो, और यदि वो ऐसा करता है तो वो संन्यास लेने का अधिकारी नहीं है। 80% ऋषि मुनि, 90% ऋषि मुनि भारतीय व्यवस्था में गृहस्थ हैं, और यदि कोई डायरेक्ट ब्रह्मचर्य से संन्यास की अवस्था को प्राप्त होने की कोशिश करता है तो वो समाज में स्तुत्य नहीं है। ये तो कालांतर की संकल्पना है। एक व्यवस्था की प्रतिष्ठापना होने के बाद में फिर ऐसा शुरू हुआ कि सीधे ब्रह्मचर्य के बाद आप आश्रम में जा सकते हो, दो आश्रम आपने स्किप कर दिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो जो यों कहते हैं कि भारत की शिक्षा में तो अध्यात्म अध्यात्म है, वो भ्रम में है। उन्होंने भारतीय विद्या व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से समझा नहीं। दीप्ति मैडम पूछ रही है कि इस व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक बड़ी समृद्ध व्यवस्था थी जिसने विश्व को पहला संघबद्ध धर्म प्रदान किया, जिसने पहला संस्थाबद्ध धर्म स्थापित किया, उसमें सीधे संन्यास में जाने की परंपरा शुरू की गई, और बाद में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने इसी को प्रश्रय दिया। इसलिए वो रूढ़ हो गई व्यवस्था। और क्योंकि विद्या व्यवस्था 18वीं शताब्दी तक आते आते लगभग हमने समाज से तिरोहित कर दी थी, इसलिए हम फिर उसके संपर्क में नहीं रहे। और हमने भी ये मान लिया कि बीए एमए करने के बाद सीधे संन्यास में चले जाइए। इसलिए सन्यासियों के द्वारा अनेक प्रकार की विकृतियां जो समाज में व्याप्त हुई हैं उनका यही कारण है, क्योंकि मन नहीं सदा। और इसी प्रकार के कुछ गृहस्थ सन्यासी जो हो रहे हैं वे भी ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मन से सन्यासी नहीं बने, ऊपरी व्यवस्था के द्वारा संन्यास ग्रहण कर लिया, लेकिन अंतःकरण सन्यासी उनका हुआ नहीं। विद्या व्यवस्था का अनुशीलन जीवन में हुआ होता तो अंदर तक सन्यास की वृत्ति बैठ गई होती, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली। इसलिए जो विद्या व्यवस्था है वो महत्वपूर्ण है। विद्या मुक्त करती है, विष्णु पुराण बोलता है, सा विद्या या विमुक्त है। तो विद्या मुक्त किससे करेगी? तो वो कहते हैं विद्या अज्ञान से मुक्त करती है, बंधनों से मुक्त करती है, अंधकार से मुक्त करती है, सभी प्रकार की जो विकृतियां हैं उनसे मुक्त करती है। इसलिए हमारे लिए विद्यावंत होना बहुत जरूरी है। हमारे मित्र हैं राजीव कुमार जी, वो लिख रहे हैं, इसने तुलसीदास जी को भी, तुलसीदास ने हनुमान जी को भी शिक्षावंत नहीं कहा है। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान है हनुमान जी, विद्यावंत है इसलिए गुणी है, और गुणी है इसलिए चातुर्य से परिपूर्ण है उनका व्यक्तित्व। और जब हनुमान चालीसा हम पढ़ना शुरू करते हैं तो भी हम उनसे शिक्षा की प्रार्थना नहीं करते, हम प्रार्थना करते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु क्लेश विकार। क्लेश और विकार हरेंगे किस माध्यम से?
तो वो कहते हैं कि विद्या प्राप्त होगी तब, क्योंकि विद्या की प्राप्ति से ही आदमी लोक और परलोक दोनों को साधेगा तो समस्त विकारों से मुक्त हो जाएगा। वेदों की व्याख्या हमने समकालीन परिप्रेक्ष्य में की ही नहीं है। यदि वेदों की व्याख्या भी हमने विद्या अवलंबन के आधार पर की होती तो वेद आज समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होते। इसलिए शास्त्र कहता है लोके च वेदे च, वेदे च लोके च, जो लोक में है वही वेद में भी है और जो वेद में है वही लोक में है, कुछ परे नहीं है। लेकिन हमने तो वेद नहीं समझे, हमने तो उपनिषद नहीं समझा, हमने तो विद्या व्यवस्था नहीं समझी और विद्या व्यवस्था के स्थान पर जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको आंख मीचकर हमने स्वीकार कर लिया। यदि विद्या को हमने जीवन का हिस्सा बनाया होता तो आज भी हम विश्वगुरु होते। विश्वगुरु के स्थान से चयित होने के पीछे आधुनिक शिक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदार है। अफसोस यह है कि आज भी हम इस शिक्षा के ब्याह मोह से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहे। यदि इससे मुक्त कर लिया होता 1947 के बाद ही राधा कृष्णन कमीशन 1948 में बन गया था। हम में से अधिकांश ने यदि राधा कृष्णन कमीशन पढ़ा होगा तो ध्यान में आता है कि उनकी जो रिकमेंडेशन है पहले दूसरे अध्याय में ही जो बातें उन्होंने कही है, उन्होंने विद्या व्यवस्था का पुरजोर समर्थन किया। यदि उस व्यवस्था विद्या व्यवस्था को 1948 के बाद ही लागू कर दिया गया होता तो उसके दो सुखद परिणाम होते। एक तो वो आसानी से लागू हो जाती, क्योंकि उस समय मेकाले के मानस पुत्र इतने सशक्त नहीं हुए थे, और दूसरा इन 70-75 सालों में भारत का भवितव्य बदल जाता। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए हम आज प्रयासरत हैं, प्रयत्नशील हैं, वो हमने बहुत पहले ही प्राप्त कर लिए होते। लेकिन ईश्वर इच्छा बलिय थी, इसलिए आज जो जितना शिक्षित है वो उतना ज्यादा अहंकार से परिपूर्ण है। गांव का व्यक्ति आज शिक्षित नहीं होगा लेकिन उसके पास विद्या है। भारत में विद्या और कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। शुक्र 64 कलाओं की बात करता है और 32 विद्याओं की बात करता है। प्रकारांतर से वात्स्यायन ऋषि अपने ग्रंथ में इन दोनों का उल्लेख करते हैं। संतोष कुमार दास ने एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया में विस्तार से इनका वर्णन किया है। इसलिए यदि विद्या के आधार पर हमने अपना जीवन आगे बढ़ाया होता तो मुझे लगता है आज परिस्थितियां थोड़ी अलग होती। विद्या और सुख का परस्पर संबंध है, शिक्षा और सुख का संबंध नहीं है। नहीं तो आज समाज बहुत शिक्षित है। समाज शिक्षित होने के बाद भी जितने दुख आज व्याप रहे हैं उतने कभी नहीं व्यापे। वर्तमान की जो कोरोना महामारी है वो शिक्षा का ही परिणाम है, क्योंकि शिक्षा मनुष्य को स्वार्थी बनाती है। शिक्षा मनुष्य को सिर्फ अपने बारे में सोचना सिखाती है, शिक्षा आत्म केंद्रित बनाती है। विद्या कल्याण की भावना का प्रस्फुटन करती है व्यक्तित्व के अंदर, क्योंकि लोक परलोक दोनों समाहित है। इसलिए आदमी कहता है लोक बेशक कमजोर हो जाए, थोड़ा बहुत बिगड़ जाए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन मेरा परलोक नहीं बिगड़ना चाहिए। जो विद्यावंत लोग हैं उनसे जब कहा जाता था कि थोड़ा बहुत दाएं बाएं कर लीजिए तो कहते थे भाई साहब परलोक की चिंता है, पूर्ले जन्म के भाग पाप तो इस जन्म में काट रहे हैं, इस जन्म में करके
पता नहीं कहां जाएंगे। लेकिन शिक्षा ने ये भय मनुष्य के मन से खत्म कर दिया और उसने कहा परलोक नाम की कोई चीज नहीं है, जो भी कुछ है वह यही है। और जो चार्वाक दर्शन जिसको भारतीय परंपरा ने अमान्य कर दिया था, चार्वाक दर्शन है भारतीय व्यवस्था में, किसी भी विचार परंपरा का कभी भी गला नहीं घोटा गया, वैचारिक स्वातंत्र यहां पर सदैव रहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहां पर सदैव रही, आपको अपनी बात रखने का अधिकार हमेशा से रहा। लेकिन ये लोग तय करेगा कि क्या स्वीकार्य है और क्या स्वीकार्य है। यदि कल्याणकारी चिंतन है तो उसको स्वीकार्यता है, और यदि अकल्याणकारी है तो वो समाज से स्वतः ही तिरोहित हो जाएगा। इसलिए चार वाक्य दर्शन का आजकल कोई नाम नहीं लेता। लेकिन पश्चिम में भी इसी के समानांतर हिडोनिज्म शुरू हुआ, वह भी यही कहता है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मस्त रहो। तो खाओगे पियोगे और मस्त रहोगे तो फिर संसार का क्या होगा। इसलिए उन्होंने कह दिया मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो ये दुनिया को लूटने के लिए गिरोहबंदी होने लगी। भारत समृद्ध था, विद्यावंत समाज था, इसलिए ब्रिटेन के 26 व्यापारियों ने एक गिरोह जैसा बना लिया कि भारत के साथ व्यापार करेंगे और उसको उसका सारा सोना चांदी खींच लाएंगे। ऐसा ही एक गिरोह पोर्तुगीज ने बना लिया, ऐसा ही एक गिरोह फ्रेंच ने बना लिया, ऐसा ही एक गिरोह डचेस ने बना लिया, और ये सभी गिरोह भारत की भूमि पर आ गए। और भारत की भूमि पर आकर इन गिरोहों में आपस में संघर्ष होता रहा लंबे समय तक। यह संघर्ष किस लिए हो रहा है? क्या यह संघर्ष विश्व कल्याण के लिए है? बिल्कुल नहीं। क्या यह संघर्ष लोक और परलोक को साधने के लिए है? बिल्कुल नहीं। यह संघर्ष अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए है। हम अपने स्वार्थ की पूर्ति करेंगे बस। इसलिए भारत की भूमि पर इनने संघर्ष हुआ, और यह संघर्ष 18वीं शताब्दी के छठवें दशक में जाकर लगभग समाप्त हुआ। और उसके बाद भारत में ब्रिटेन की तीन बड़ी प्रेसिडेंसी स्थापित हुई, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। लेकिन भारत में गिरोहबंदी कभी नहीं रही। जब ये हेडोनिस्ट एजुकेशन हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस हुई तो फिर वो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाली जो अवधारणा थी वह यहाँ के लोगों में प्रतिष्ठापित होने लगी। वह लोग, वह समाज, वह परंपरा जो विद्या को सुख का कारण मानती है, वह समाज ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड में आ गया। हितोपदेश क्या कहता है, विद्या का मूल क्या मानता है हितोपदेश? तो वो कहता है विद्या ददाति विनयम, विद्या से, विद्या के सब चीज अंतर संबंधित है। और आप कंपैरिजन करते जाइएगा कि वर्तमान में कौन विद्यावान है और कौन शिक्षावंत है। इसलिए कह रहे हैं विद्या ददाति विनयम, क्या होगा, विद्या से विनम्रता आती है, और विनम्रता से क्या आता है, विनयाद याति पात्रताम। जैसे ही आप विनम्र हो जाएंगे वैसे ही आप पात्रता, पात्रवान बन जाएंगे, आप में पात्रता आ जाएगी, कैपेबल हो जाएंगे, योग्यता का आप में स्थापन हो जाएगा। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, और पात्रता के आते ही धन आ जाता है। इसलिए शास्त्रकार कहता है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन सर्वधनों में प्रधान क्यों है?
इसीलिए सब धन में विद्या धन इसलिए प्रधान है, क्योंकि विद्या ऐसा धन है जो धन को अर्जन करने का माध्यम है। इसके लिए कोई एक्सटर्नल एफर्ट नहीं करने पड़ते, इसलिए वो कहता है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या ददाति विनियम विनियाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनम आपनोति। पात्रता से धन आता है, और फिर धन से क्या होगा, धनात धर्म, धन से धर्म का क्रियान्वयन होगा। धर्म क्या, मैं पिता हूं तो पिता धर्म का पालन करूंगा, पुत्र हूं, शिक्षक हूं, मित्र हूं, जो जो धर्म मेरे हैं वे सब मेरे द्वारा पूरित होंगे। और जब सब कुछ ऐसा कर चुकूंगा तो वो कहते हैं धनात धर्म ततः सुखम, फिर मनुष्य को सुख प्राप्त होगा। ये सुख कैसा है, तो इस सुख के बारे में जिसको हमने कहा परमानंद, ये परमानंद प्राप्त कैसे होता है, तो धर्म की पूर्ति से परमानंद की प्राप्ति होती है। इसलिए विद्या सुख का कारण है, लेकिन शिक्षा सुख का कारण नहीं है, क्योंकि पिछले 200 वर्षों में जितने भी व्यापक नरसंहार हुए हैं उनके पीछे शिक्षा ही जिम्मेदार है। आदरणीय गोयल सर पूछ रहे हैं कि विद्या की उत्पत्ति कैसे हुई। सर विद्या की उत्पत्ति भी जैविक ही है, बायोलॉजिकल ही है। सर मेरा 2 दिन पूर्व का जो व्याख्यान था दीनदयाल जी के ऊपर, जिन्होंने वो सुना होगा वो उसको इसके साथ कोरिलेट कर लेंगे तो विद्या की व्युत्पत्ति का संदर्भ उनके ध्यान में आ जाएगा। विद्या की उत्पत्ति जैविक है, इसलिए हमारा सबके साथ संबंध है, और वो संबंध हमें किसी का भी अकल्याण नहीं करने देता। इसलिए जितने भी 200 वर्षों में बड़े व्यापक नरसंहार हुए हैं, आप ताज्जुब करेंगे, वे सब नरसंहार शिक्षावंतों ने किए हैं, उनमें से विद्यावंत कोई भी नहीं था। यदि विद्यावंत होते तो ये व्यापक नरसंहार नहीं हुए होते, क्योंकि विद्यावंत को तो सबके कल्याण की चिंता रहती है ना, वो तो यत पिंडित तथा ब्रह्मांड देखता है। उसको पता है जिस पंचभूत महाभूतों से मैं बना हूं, उन्हीं पंचभूतों के पृथक पृथक संयोगों से यह संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ है। इसलिए यह समाज विद्यावंत था, इसलिए वैश्विक व्यापारी बनने के बावजूद भी इसने संपूर्ण विश्व को कुटुंब समझा, इसको ग्लोबल विलेज नहीं बनाया, क्योंकि कुटुंब के साथ जैविक स्थापना होती है और विलेज के साथ यांत्रिक प्रतिष्ठापना होती है। यांत्रिक प्रतिष्ठापना विखंडनीय है, लेकिन जो जैविक एकात्मता है वह विखंडित नहीं होती। इसलिए भारत विश्व के साथ जैविक संबंध रखता है। इसलिए शिक्षा की प्राप्ति के बाद सुख नहीं है, दुख है। लाखों करोड़ों के पैकेज हमको मिल गए फिर भी हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। ब्रज में कहावत है, मेरा पेट हाऊ मोए न भाय काऊ। मेरा पेट इतना बड़ा है, एक देश चाइना अपने वर्चस्व की प्रतिष्ठापना के लिए ऐसे वायरस की व्युत्पत्ति कर देता है जिससे आज स्वयं भी परेशान है और संपूर्ण मानवता भी त्रस्त है। यदि उसने विद्या का अनुशीलन किया होता, यदि उसने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को जीवन में उतारा होता, यदि उसने प्रभु ताओ के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लिया होता, तो आज विश्व मानवता इस वैश्विक महामारी से त्रस्त नहीं होती, त्राही त्राही नहीं कर रही होती। विद्या की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। इसलिए विद्या को समझना, विद्या को जीवन में उतारना महत्वपूर्ण हो जाता है। विद्या सिर्फ सुख का कारण नहीं बताई गई है,
भर्तृहरि नीति शतकम में लिखते हैं। विद्या क्या है? विद्या भोग करी है, विद्या यश करी है और विद्या लाभ करी है। विद्या भोग का माध्यम है, लेकिन भोग कैसा? जिससे यश की प्राप्ति हो। यश कैसा? जो लाभकारी हो। हम दीपावली पर लिखते हैं शुभ लाभ। हम लाभ तो चाहते हैं, लेकिन वो लाभ कैसा? जो शुभकारी हो। हमें अशुभकारी लाभ नहीं चाहिए, कोरोना की तरह कि विश्व के व्यापार पे कब्जा करने के लिए मैं संपूर्ण विश्व का अशुभ कर डालूं। नहीं। इसलिए भारतीय ऋषि क्या कहता है, महाभारत में एक प्रसंग आता है, इसलिए भारत में अनेक प्रसंग हैं। भारत में तमाम ऋषि भगवानों के पास गए हैं, अपने से बड़े ऋषियों के पास गए हैं, ब्रह्मा जी के पास गए हैं, शिव जी के पास गए हैं, और उनमें जाकर उनमें से किसी ने भी अपने कल्याण की बात नहीं की है। क्या बात की है? कि सृष्टि का कल्याण कैसे होगा। नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं सत्यनारायण की कथा में, और कहते हैं प्रभु बड़ा कष्ट में हूं, पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूं। तो वो कहते हैं हां क्या देखा? बोले पृथ्वी पर नाना प्रकार के प्राणी नाना प्रकार के कृत्यों से त्रस्त हैं, मैं उनके संतापों की मुक्ति कैसे हो यह आपसे जानना चाहता हूं। तो नारद जी से भगवान ने कहा तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, एक बार सोना का आदि 88,000 ऋषि भी मेरे पास इसी निमित्त आए थे। तो उन्होंने कहा बताएं वो क्या है। उन्होंने कहा उन्होंने जो अनुसंधान किया जो शोध किया उसमें एक ही बात समझ में आई कि जो सत्य है वही सुखकारी है, वही आनंदकारी है। इसलिए भारतीय परंपरा में सत्य चित्त आनंद परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है, क्योंकि वही सत्य है और वह सत्य ही आनंद की प्राप्ति कराने में सहयोगी होता है। इसलिए ईश्वर क्या है? सत्य है, शिव है और सुंदर है। भारतीय परंपरा में सत्य व्यक्तित्व का मूल आधार है, इसलिए विद्या उस सत्य से आपको परिचित कराती है। इसलिए ऋषि प्रार्थना करता है असतो मा सदगमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो अंधकार है उससे मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। और फिर कहता है मृत्योर मा अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलो। शिक्षा अमरता प्रदान नहीं करती, शिक्षा मृत्यु है, इसलिए शिक्षा मुक्त नहीं करती है, शिक्षा आपको बंधन में जकड़ती है, बंधनकारी है। विद्या मुक्त करती है, इसलिए विद्या अमृत है। इसलिए ईश उपनिषद का ऋषि बोलता है विद्यायाम अमृतम अश्नुते, विद्या क्या है? विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। 18वीं शताब्दी तक भारतीय परंपरा विद्या पर अवलंबित थी, लेकिन जब पाश्चात्य परंपरा के अववाहक भारत में प्रवेश किए तो उनको ध्यान में आया भाई ये तो बड़ी समृद्ध परंपरा है, इसके आगे तो अपना दाल भात गल पाएगा नहीं, तो क्या करना। तो पहला प्रयास जो अर्ली यूरोपियन सेटलर्स में नरेंद्र नाथ एनएन लॉ लिखते हैं, वो यही कहते हैं कि पहला प्रयास ब्रिटिशर्स के द्वारा 1614 में शुरू हुआ है त्रावणकोर में,
और ये प्रयास उन्होंने यद्यपि अपने कंपनी के नौकरों के बच्चों के लिए शुरू किए हैं, लेकिन बाद में ये प्रयास उन्होंने मद्रास से बढ़ाकर बंबई किए, बंबई से बढ़ाकर कलकत्ता किए, और धीमे धीमे जैसे जैसे उनका व्यवसाय बढ़ता चला गया वैसे वैसे उनका जो षड्यंत्र है वह भी बुना जाने लगा। वह षड्यंत्र क्या है? तो प्रारंभिक अवस्था में 17वीं शताब्दी में वो सोचते हैं कि यदि भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो भारत का ईसाईकरण करना होगा, क्रिश्चनाइजेशन ऑफ इंडियन कम्युनिटी, भारतीय समाज का ईसाईकरण करना होगा, और वो ऐसा प्रयास करते हैं। लेकिन बाद में उनको समझ में आता है कि बहुत बड़ा समाज है, यह संभव नहीं है। तो फिर क्या करना है? ताज्जुब यह है कि जिन दिनों वो भारत में अपनी शिक्षा व्यवस्था की प्रतिष्ठापना करने का प्रयास कर रहे हैं, उन दिनों स्वयं उनके देशों में कोई शिक्षा की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। धर्मपाल जी की किताब है भारतीय चित्त मानस और काल, उसमें वो विस्तार से इस पर प्रकाश डालते हैं कि जिन दिनों भारत समृद्धि के चरम पर है, विश्व गुरुत्व को प्राप्त कर चुका है, उन दिनों यूरोप के देशों की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। लेकिन जब भारत आते हैं तो भारत आने के बाद में उनको समझ में आता है कि भारत को यदि हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था से मंडित नहीं किया तो समस्या होगी। इसलिए धीमे धीमे पहले वो अपने कंपनी का विस्तार करते हैं, यहाँ के देशज रजवाड़ों के साथ, राजाओं के साथ संधियां करते हैं, और धीमे धीमे उन संधियों में, उन व्यापारिक कुनीतियों में वो यहाँ के समाज को जकड़ना शुरू करते हैं, और उसी क्रम में वो शिक्षा का भी विस्तार करते चले जा रहे हैं। पहले वे विद्यालय कंपनी के कर्मचारी के बच्चों के लिए प्रतिष्ठापित करते हैं, और फिर उन विद्यालयों में आस पड़ोस के समाज के लोगों को भी सम्मिलित कर लेते हैं। गोयल सर पूछ रहे हैं कि समाधि और व्याधि में भेद क्या है। सर, अविद्या जो है वो व्याधि है सरल शब्दों में, और विद्या जो है वो समाधि है। सम धातु से समाधि की व्युत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब वो होता है समाधान हो जाना। विद्या से समाधान की प्राप्ति होती है और अविद्या से व्याधियों की प्राप्ति होती है। खैर, बाद में ये सब बातें बढ़ती चली गई और 1772 के आसपास आकर पहली बार अंग्रेजों के द्वारा भारत में कॉलोनियल नैरेटिव बुनना शुरू हुआ। और यह भी गजब संयोग है कि 1772 में ही राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ, जिनको हम भारतीय पुनर्जागरण जागरण काल का अग्रदूत कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। निश्चित ही, क्योंकि यूरोप में भी रेनेसा हुआ था, और उस प्रकार का रेनेसा हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, ऐसा यूरोपियन चाहते थे। और जो यूरोपियन शिक्षा व्यवस्था से भारत का जनमानस प्रभावित था वह वही टर्म यूज करने लगा। अरे, भारत तो कभी सोया ही नहीं था, तो जागृत कैसे होता? पुनर्जागरण का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो 18वीं शताब्दी तक जो देश विश्व के व्यापार में 28% सहभागिता करता है वो सोकर तो कर नहीं रहा होगा। विश्व का अधिकांश जो बाजार है वो भारत के द्वारा अधिग्रहित था, तो सुषुप्त अवस्था में यदि भारत रहा होता तो कैसे ये सब काम करता? इसलिए भारत में पुनर्जागरण की बात होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्योंकि यूरोप का पुनर्जागरण हुआ है, एक साल के डार्क एज के बाद, 1000 वर्ष का जो अंधयुग है उसके बाद यूरोप का संबंध जब भारत जैसे अन्य देशों के साथ आया और वहां से जो धन का उनकी तरफ होना शुरू हुआ, उस प्रभाव से उनके यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए, और उन आविष्कारों से उनके यहाँ
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, और उस औद्योगिक क्रांति के बल पर उन्होंने विश्व में अपनी शिक्षा और धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से किया। तो यूरोप का वो रेनेसा माना जाता है, 14वीं-15वीं शताब्दी के बाद से लेके 18वीं शताब्दी तक का जो कालखंड है। और 18वीं शताब्दी के कालखंड के बाद जब शिक्षा व्यवस्था भारत जैसे देशों में लागू होने लगी तो उन्होंने भारत का रेनेसा के रूप में उसको स्थापित किया। जब कोई व्यवस्था, कोई सभ्यता कहीं पर जाती है तो वो अपनी अच्छाइयां और बुराइयां और अपने टर्म भी अपने साथ लेकर जाती है। भारत हजारों साल से पश्चिम के साथ व्यापार कर रहा था, लेकिन वो सही टर्म लेकर गया था अपने यहां से। चमनलाल जी की किताब है हिंदू अमेरिका, उसमें वो अमेरिकी देशों में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों अमेरिकी देशों में किस प्रकार की संस्कृति विकसित हुई है उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक किताब और है 1893 के आसपास प्रकाशित हुई, उसकी लेखक का नाम इस समय स्लिप हो रहा मेरे दिमाग से, मेरे पास है, मैंने पढ़ी है, इंडिया इन ग्रीक। उसमें भी समझ में आता है, विल ड्यूरेंट तो कहता ही है कि विश्व की अनेक सभ्यताओं की माता के रूप में भारत रहा है। तो भारत अपने श्रेष्ठ विचार जहां से लेकर गया, और भारत ने अपने विचारों के माध्यम से कभी किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। उसके जो क्रियाकलाप थे उनसे वो विश्व को प्रभावित करता था, और वो क्रियाकलाप क्या थे? विश्व कल्याण। इसलिए भारत में समय समय पर व्यवस्थाओं के पास विश्व के कल्याण के दृष्टिकोण से ऋषि जाते हैं, और इसलिए महाभारत में जब साक्षात भगवान प्रकट होते हैं रंतिदेव के सम्मुख, तो वो उनसे पूछते हैं कि मांगो तुमको क्या चाहिए, तुमने बहुत उत्तम कार्य किया है, तुमने सर्वस्व समर्पित कर दिया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तो वो यही कहता है, ना हम कामे राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, कि प्रभु ना मैं राज्य की अभिलाषा रखता हूं, ना स्वर्ग चाहता हूं, और ना इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म हो, ऐसा वरदान भी आपसे नहीं चाहता। तो क्या चाहते हो भाई? तो कहता है, ना हम कामे राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्त नाशनम। नाना प्रकार के दुखों से जो प्राणी मृत्यु लोक में संतप्त हैं, उनकी मुक्ति चाहता हूं, उनके दुख नष्ट हो जाएं, यह मेरी अभिलाषा है। सुनील भाई ने उस किताब के लेखक का नाम लिख दिया, इंडियन ग्रीक इपोका। धन्यवाद सुनील भाई। कभी भी भारत में अपने कल्याण की बात की नहीं, इसलिए अग्निपुराण कहता है, आत्मने प्रीतिकुलानी आत्मने प्रतिकुलानी परेशान न समाचरे। जो व्यवहार हमें पसंद नहीं है वो हम दूसरों के साथ नहीं करेंगे। इसलिए हजारों हजार साल तक विश्व का ये साथ व्यापार करने के बावजूद भी भारत ने विश्व में किसी भी प्रकार की विकृति का निर्माण नहीं किया। निर्माण हुआ तो संस्कृतियों का। भारत ने विश्व के अनेक देशों से सीखा भी और उन देशों को सिखाया भी। भारत की संस्कृत भाषा के हजारों शब्द विश्व की भाषाओं का हिस्सा बने। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि लगभग 40,000 से अधिक शब्द भारत की संस्कृत धातुओं से जो बने हुए थे वो विश्व की अनेक भाषाओं का हिस्सा बने। ये भारत का वैशिष्ट्य है कि भारत ने विश्व को दिया भी और भारत ने विश्व का जो श्रेष्ठ था वो लिया भी, उसका स्वागत भी किया। इसलिए ऋग्वेद में प्रारंभ में ऋषि कहता है, आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वता, हमें सद्विचारों का हम स्वागत करते हैं, आने दीजिए, हमें उनसे कोई परहेज नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने 190 साल में भारत की जो संपूर्ण सद व्यवस्था थी
उसको विखंडित करना शुरू कर दिया। 1772 में वारन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बनते हैं और उसके 2 साल बाद वो भारत के गवर्नर जनरल हो जाते हैं। तीनों प्रेसिडेंसी उनके अंडर में है। और फिर ये षड्यंत्र शुरू होता है जिसको मैं विदेशी या उपनिवेशी वृत्तांत बोल रहा हूं, कॉलोनियल नैरेटिव। भारत में 2 प्रकार के अंग्रेजी समाज के लोग खड़े होने शुरू हुए 18वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी के प्रथम 3 दशक तक, लगभग 50 वर्ष तक भारत के अंदर भी और इंग्लैंड स्वयं में भी ऐसे अंग्रेज अफसर हैं जो चाहते हैं कि भारत को भारत के ही स्तर पर टैकल किया जाए। भारत की समाज व्यवस्था, भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत का जो विज्ञान है उसके आधार पर, भारत के साथ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत अपने में ही कंप्लीट है, परिपूर्ण समाज है। हम व्यापार कर रहे हैं, हम व्यापार करते रहे बस। इनको ओरिएंटलिस्ट माना गया, प्राच्यविद या प्राच्यवादी। मैं इनको प्राच्यविद और प्राच्यवादी इसलिए नहीं कहता क्योंकि प्राच्य टर्म जो है वो सिर्फ भारत के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। एडवर्ड सईद ने अपनी पुस्तक में विस्तार से उसकी चर्चा की है ओरिएंटलिज्म में, तो वो प्राच्य में और समाजों को भी मानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये भारत प्रेमी लोग हैं, ये भारतविद हैं, ये भारत को भारत के स्तर पर ही समझना चाहते हैं, ये भारत को भारत के स्तर पर ही संचालित करना चाहते हैं। इसलिए जब ये लोग भारत आते हैं तो भारत के संस्कृत वाङ्मय का अनुवाद करते हैं और उसमें इनको लगता है कि ये तो विश्व का श्रेष्ठतम साहित्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अनुवाद विलियम जोन्स करते हैं तो जर्मन कवि गेटे उसकी प्रशंसा में लिखता है कि विश्व की किसी भी भाषा में लिखे गए साहित्य से श्रेष्ठ साहित्य, श्रेष्ठ कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस साहित्य को हे दृष्टि से देखते हैं और इस साहित्य की अच्छी बातों को निकालकर अपने काम में लाना चाहते हैं लेकिन इस साहित्य को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। उनमें इंग्लैंड के भी अनेक लोग हैं, फ्रांस के भी अनेक लोग हैं, जर्मनी के भी अनेक लोग हैं और इन राज्यों से इन भाषाओं में अनुवाद होकर जो साहित्य अमेरिका पहुंचा है वहां के भी अनेक लोग हैं। रोम्यो रोला लिखते हैं, उनका नाम भी लेते हैं। विवेकानंद की जो जीवनी लिखी है उन्होंने, उसमें उन्होंने उनका नाम उद्धृत किया है। वो कहते हैं कि उन्होंने भारतीय संस्कृत साहित्य को जो चीन के द्वारा फ्रांस पहुंचा था उसका फ्रेंच वर्जन उन लोगों ने पढ़ लिया था। इसलिए अमेरिका में गीता के पढ़ने से पहले मिस्टिसिज्म नाम के शब्द का प्रचलन नहीं था। रहस्यवाद क्या होता है, अनेकांतवाद क्या होता है, स्यादवाद क्या होता है, इसका संबंध उनका गीता के पढ़ने के बाद में आया। और ये गीता उन्होंने चाइना के द्वारा जो फ्रांस में ले जाई गई थी उसके फ्रेंच अनुवाद से पढ़ा, लेकिन अफसोस है उन्होंने किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। उसमें से इमर्सन भी है, वाल्ट विटमैन भी है, गांधी जी के जीवन को जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया डेविड थोरो वह भी है। ये वो लोग हैं जो भारत के ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं लेकिन भारत को कहीं एक्नॉलेज नहीं कर रहे, भारत का कहीं आभार व्यक्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए विलियम जोन्स जब हिंदुस्तान आता है 1783 में, भारत आने से पहले वह पानी के जहाज पर एक सिनोप्सिस बनाता है। जैसे हम पीएचडी करने से पूर्व सिनोप्सिस बनाते हैं कि हमें क्या क्या अध्याय लिखने हैं, उन अध्यायों में क्या क्या लिखना है। तो वो भी तैयार करके लाता है।
कि मुझे क्या क्या करना है, तो उसमें वो तय करके लाता है कि मैं व्याकरण पढ़ूंगा, मैं कालिदास पढ़ूंगा, मैं हितोपदेश पढ़ूंगा, ये सब तय करके लाता है। और वो भारत के व्याकरण को विश्व का श्रेष्ठ व्याकरण मानता है। उसको ये कहकर गया, भेजा गया था कि तुम्हें भारत जाकर कानून बनाना है। भारत के लोग बड़े जंगली हैं, उनको कानून से परिचय कराना है, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो विधि पर विश्वास करता हो। वो भारत आने के 6-7 महीने बाद ही पत्र लिखता है अपने मित्रों को इंग्लैंड। बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ उनका जीवन संबंध है। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन है, वहां की संविधान सभा के सदस्य हैं। उनको लिखता है कि कैसे समाज को मुझे सिखाने के लिए भेजा है, ये समाज तो बड़ा विद्यावंत है, और वो भी विद्या टर्म यूज करता है, शिक्षा नहीं करता। कहता है विद्यावंत समाज है, इनके यहां तो मानव धर्म शास्त्र का प्रणयन हजारों साल पहले हो चुका है, और वो उस पुस्तक से इतना स्नेह करता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चैपल में विलियम जोन्स की स्टैचू है, उस स्टैचू में उसने भारतीय ऋषि की तरह से अंगवस्त्र ओढ़ रखा है, और हाथ में उस पुस्तक का नाम है, वो पुस्तक है, और उस पुस्तक पर उस पुस्तक के प्रणेता का नाम लिखा हुआ है, और वो उस पुस्तक से अनुप्राणित होकर उसका अनुवाद करता है। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, मोहम्मदन लॉ, दोनों पुस्तकें लिखता है। ये वह समय है, यह वह लोग हैं जो भारत से प्रेम करते हैं। इनमें जॉनस्टन है, विल्सन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पूरी एक 40-50 लोगों की पूरी एक श्रृंखला है। ये भारत से अद्भुत प्यार करते हैं, और भारत के संस्कृत वाङ्मय को, प्राकृत वाङ्मय को, पाली वाङ्मय को समझने के लिए, पढ़ने के लिए एक सोसाइटी की स्थापना कर लेते हैं 94 में, 1784 में। आने के 6 महीने के अंदर ही अंदर, और बहुत द्रुत गति से फिर अनुवाद का कार्य शुरू होता है। इसी समय एक वर्ग ऐसा भी खड़ा हो रहा है भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी, यानी इंग्लैंड में भी, जो ये चाहता है कि भारत को भारतीय विद्या व्यवस्था के बल पर अब नहीं चलाना है हमें, क्योंकि ये तो विद्या के बल पर चलेगा तो हमारी सुनेगा नहीं, हमें भारत को अपना अनुगामी बनाना है, अपना चेहरा बनाना है। और उसको बनाने के लिए क्या करना है, उसको बनाने के लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था वहां पर अधिरोपित करनी होगी। बिना शिक्षा व्यवस्था के अधिरोपित किए बिना हम भारत को लंबे समय तक अपना गुलाम बनाकर रख नहीं सकते। तो क्या करना है, और ऐसा इसलिए भी करना है क्योंकि कंपनी के लोग जो कंपनी में नौकरी करते थे वो निरो इंग्लैंड से ही भेजे जाते थे, और इंग्लैंड से भारत भेजने में उन पर बहुत व्यय होता था, उनकी ट्रेनिंग होती थी ऑक्सफोर्ड में, तो उनकी ट्रेनिंग पर काफी व्यय आता था, और बाद में फिर उनको भारत भेजने में काफी व्यय आता था। सिर्फ इतना भी है तो चलो भुगता जाए, कोई परेशानी नहीं, उससे ज्यादा परेशानी ये होती थी कि ये लोग भारत में आके कंपनी की नौकरी करते थे और कंपनी में रहते हुए ये भ्रष्टाचार करते थे, और उस भ्रष्टाचार के माध्यम से बहुतायत में धन कमा लेते थे, और उस धन को ले जाकर ब्रिटेन में जाकर वहां की राजनीति को प्रभावित करते थे, यहां के राजाओं के साथ संबंध स्थापित कर लेते थे,
ब्रिटिश पार्लियामेंट में बाकायदा 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में एक भाषण दिया गया है एक पार्लियामेंटेरियन के द्वारा, और उस भाषण में उसने यही कहा है कि यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि आज ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भारतीय देशी राजाओं के द्वारा वित्त पोषित कई सांसद विद्यमान हैं, कई पार्लियामेंटेरियन उपस्थित हैं, और वो कहता है अर्काट और तंजौर के राजा फंडिंग देते हैं। ये 18वीं शताब्दी तक का भारत है। हम ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ऐसे प्रत्याशी खड़े करते थे जिनकी फंडिंग भारत करता था, और वो हमारी आवाज ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाते थे। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये खत्म होना चाहिए, क्यों खत्म होना चाहिए, कि यदि खत्म नहीं होगा तो कुछ दिन में भारत के राजे महाराजे और भारत की आम जनता भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट को गवर्न करने लगेगी, जैसे आज हम बहुत सारे उनके द्वारा गवर्न होते हैं। तो वो कहते हैं इसलिए जो कारिंदे यहां से भेजे जाते हैं उन पर बहुत ब्याह होता है, और वो वहां से पैसा और संबंध कमा के लाते हैं, और संबंध और पैसे के बल पर यहां की राजनीति को वो प्रभावित करते हैं। इसलिए उस प्रभाव से निकलने के लिए, उस आभामंडल से निकलने के लिए हमें हिंदुस्तान में ही कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जिससे वहां के लोग हमारी शिक्षा को समझने लगे, सीखने लगे, पढ़ने लगे, और उसको सीख कर, उसको पढ़कर हमारी कंपनी में नौकरियां करने लगे। हमें कोई बहुत ज्ञानवान समाज नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसा समाज नहीं चाहिए जो परलोक की चिंता करे, क्योंकि हमारे यहां तो परलोक होता नहीं है। हमें तो सिर्फ ऐसे ही समाज चाहिए जो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में हमारा सहयोगी बन जाए, और वो तब बनेगा जब हम उनका या तो ईसाईकरण कर देंगे या फिर उनकी शिक्षा का ईसाईकरण कर देंगे, या तो समाज होगा या शिक्षा होगी। पिछले 200 साल के अनुभव से यह समझ में आ चुका था कि समाज का ईसाईकरण संभव नहीं है इतना, लेकिन यदि शिक्षा का ईसाईकरण हो गया तो फिर समाज कालांतर में उन्हीं मानकों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेगा। मैकाले पत्र लिखता है कि जो शिक्षा व्यवस्था के मिनट्स, जो व्यवस्था मैंने यहां तैयार की है, वह व्यवस्था यदि चल गई तो अगले 30 सालों में बंगाल के अंदर कोई भी मूर्ति पूजक नहीं रहेगा। मूर्ति पूजक से अभिप्राय भारतीय मूल्य व्यवस्था में विश्वास करने वाला नहीं रहेगा। और फिर 1772 के बाद 1892 में बिल्बरफोर्स का ऐतिहासिक भाषण है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, और वो भाषण यही है, वो भारत में ब्रिटिश शिक्षा का विरोध करता है, पहले वकालत करता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स उसका विरोध करते हैं। विरोध क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि हमने ब्रिटिश शिक्षा के बल पर ही अभी अभी 18वीं शताब्दी के 7वें दशक में अमेरिका को अपने हाथों से खो दिया है, जो हमारा बहुत बड़ा बाजार था। भारत अमेरिका से भी बड़ा बाजार है और समृद्ध है, क्या हम ब्रिटिश शिक्षा के बल पर भारत को भी खोने को तैयार हैं? लेकिन बिल्बरफोर्स का जो भाषण है वो 1813 में जाकर रंग लाता है, लगभग 21 वर्ष बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि 1,00,000 रुपया सालाना हम शिक्षा के ऊपर व्यय करेंगे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह भी जानती है कि भारत में शिक्षा का लोक व्यापीकरण तब तक नहीं होगा
जब तक समाज हमारी शिक्षा को अंगीकार नहीं कर लेता, स्वयं स्वीकार नहीं कर लेता, और कहीं भारतीय समाज हमारे विरोध खड़ा हो गया तो कंपनी ने जो अपने शासन को यहां पर प्रतिष्ठापित किया है, धीमे धीमे विस्तार कर रही है, लगभग आधा भारत पर उसका किसी ना किसी प्रकार से शासन स्थापित हो गया है, भारत के जो देसी राजा हैं वो उसके दबाव में आ गए हैं। यदि यहां की जनता ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में आ गई और उसने यहां के राजाओं का साथ देना शुरू कर दिया तो यहां पर शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि यहां के लोग अपने आप तय करें, और इसका सबसे बड़ा परिणाम है, प्रमाण है, 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सती प्रथा का बिल प्रस्तुत किया था लेकिन उसको लागू नहीं किया। क्यों? उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा महिलाएं सती नहीं हुई हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। वो कहते हैं कुल बंगाल में 0.02% महिलाएं सती हुई हैं पिछले 10-12 साल में, और यदि हमने इसको सती प्रथा के अधिनियम को लागू कर दिया तो समाज में विद्रोह हो जाएगा। इसलिए जब तक समाज अपनी तरफ से डिमांड नहीं करता, हम इसको पेंडिंग में रखेंगे, कैप्ट इन अवेंस। इसी प्रकार से शिक्षा पर बात करते हैं, और ब्रिटिश शिक्षा की अगुवाई को नेतृत्व दिया भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन राय ने, विद्वान आदमी है, 16 साल की उम्र में अपने माता पिता के विवाद को देखकर घर छोड़ देते हैं, सनातन हिंदू परंपरा के विरोध में एक पैम्पलेट तैयार करते हैं और फिर घर छोड़ जाते हैं, 10 साल तक भारत का भ्रमण करते हैं, 26 वर्ष के होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी कर लेते हैं, और नौकरी कर एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठापना के लिए संलग्न हो जाते हैं, और उनको फिर यह समझ में आता है कि भारत का कल्याण भारत की शिक्षा व्यवस्था के बदले बिना नहीं होगा। जिस संस्कृत भाषा को विश्व की भाषाओं की जननी मानता है विलियम जोन्स 18वीं शताब्दी में, जिस संस्कृत भाषा से विलियम जोन्स लैटिन को और ग्रीक को समृद्ध करना चाहता है, जिस संस्कृत भाषा को फोनेटिकली परफेक्ट लैंग्वेज मानता है, और ये 18वीं शताब्दी में नहीं, आज भी लेटेस्ट नासा का डायरेक्टर जनरल भी संस्कृत भाषा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे परफेक्ट लैंग्वेज मानता है। संविधान सभा में संविधान की जो प्रारूप समिति के माननीय अध्यक्ष रहे आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी, वो भी संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, उनका भाषण है बाद में वो हेराल्ड में छपा, सितंबर 1949, 10-11 सितंबर की बात है शायद, उस संस्कृत भाषा के विरोध में राजा राममोहन राय 1823 में लॉर्ड एम हर्स्ट को पत्र लिखते हैं, और ताज्जुब होगा हिंदुस्तान में आधुनिक शिक्षा का विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय किसी अंग्रेज ने स्थापित नहीं किया। 1816 में कलकत्ता में राजा राममोहन राय ने एक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की स्थापना की। 1781 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और चाल चलती थी, वह चाल थी कलकत्ता में ही अरबिक मदरसे की स्थापना करना। क्यों? क्योंकि उनको लगता था ऐसा करने से मुस्लिम समाज उनके साथ जुड़ जाएगा और वो कंपनी के क्रियाकलापों में उनको सहयोग देगा।
बाद में लॉर्ड डंकन्स ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें कहा कि हिंदू भी यहां पर बहुसंख्यक है, इसको भी साथ में लेना अनिवार्य है। इसलिए 1791 में कलकत्ता के 10 साल बाद बनारस में संस्कृत पाठशाला की स्थापना हुई, ओरिएंटल कॉलेज, और ये दोनों अंग्रेजों के द्वारा अनुदानित थे। एक का खर्च तो लंबे समय तक हेस्टिंग ने उठाया अपनी जेब से। बनारस में जो आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है वो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित ओरिएंटल कॉलेज ऑफ संस्कृत है। तो इस प्रकार से अरबी का संस्थान, संस्कृत का संस्थान, और फिर एक भारतीय के द्वारा जो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है उसके द्वारा भारत के पुनर्जागरण को स्थायी बनाने के लिए 1816 में कलकत्ता के अंदर ही एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की स्थापना होती है। और यह स्थापना अंग्रेजों ने पीछे से राजा राममोहन राय को सहयोग किया था, क्योंकि उनकी मनसा थी जब तक समाज आगे नहीं आएगा तब तक हम शिक्षा के परिवर्तन के प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए 1813 में जो 1,00,000 रुपए सालाना शिक्षा के ऊपर बजट सुनिश्चित किया गया था वह बजट 1822 तक खर्च नहीं हुआ। हर साल की ग्रांट लैप्स होती थी, क्यों? क्योंकि समाज अभी ब्रिटिश एजुकेशन पैटर्न को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और ना ही समाज में शिक्षा का लोक व्यापीकरण कैसे होगा इस बारे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके डायरेक्टर्स या उनके एजुकेशनल कंसल्टेंट तैयार थे, क्योंकि 18वीं शताब्दी के अंत तक और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों तक इंग्लैंड में भी शिक्षा का लोक व्यापीकरण नहीं हुआ था। कुछ सैकड़ों की संख्या में अलग अलग कुछ सायं के विद्यालय चलते थे, कुछ मॉर्निंग विद्यालय चलते थे, बाकी स्थायी स्वरूप के विद्यालय नहीं थे। जो वहां का प्रभु वर्ग है, इलीट सोसाइटी है, वही बस शिक्षा प्राप्त करती थी। एंड्रू वेल नाम का एक अधिकारी मद्रास में आता है, वो मद्रास के विद्यालयों की व्यवस्था देखता है और उसके आधार पर वो यहां की नौकरी छोड़ छाड़ कर इंग्लैंड चला जाता है और वहां पर जाकर वो बेल पद्धति शुरू कर देता है। वो पद्धति क्या है? सीनियर विद्यार्थी जूनियर कक्षा को पढ़ाएगा। इस प्रकार से एक ही विद्यालय में एक ही शिक्षक कई कक्षाओं का संचालन कर लेता था। तो इसको ये बड़ा चमत्कारी लगा और उसको लगा कि इसके माध्यम से मैं इंग्लैंड में शिक्षा का लोक व्यापीकरण कर सकता हूं। शिक्षा में इंग्लैंड में इसके कारण क्रांतिकारी परिवर्तन हुए शैक्षिक, और वही प्रयोग उन्होंने बाद में हिंदुस्तान में लागू किए, लेकिन वो अपने माध्यम से। इसलिए 1823 में राजा राममोहन राय लॉर्ड एम हर्स्ट को जो पत्र लिखते हैं वही पत्र बाद में 1828 में और 1835 में भारत की शिक्षा और भारत के भवितव्य को बदलने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उस पत्र में क्या लिखते हैं वो? उस पत्र में वो यही लिखते हैं कि भाई इंग्लैंड बड़ा उदार शासन व्यवस्था है, इंग्लैंड के लोग बड़े उदार हैं, यदि वो भारत को सुरक्षित नहीं रखना चाहते हैं तो संस्कृति की शिक्षा को बढ़ावा दें, लेकिन मुझे विश्वास है निश्चित ही वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड में भी लैटिन के स्थान पर अंग्रेजी को लागू किया, इसलिए
मैं चाहता हूँ कि भारत में भी संस्कृत के स्थान पर अंग्रेजी को लागू कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा करने से ही भारत का कल्याण हो सकता है। उस पत्र को थोड़ा सा मैं विस्तार से पढ़ता हूँ। वे कहते हैं, संस्कृत भाषा इतनी कठिन है कि इसे सीखने में पूरी एक जिंदगी गुजर जाए। यह ज्ञान के प्रसार में बाधक रही है। इसे सीखने में ऐसी कठिन मेहनत करनी पड़ती है और इसके बदले में मिलने वाला फल बहुत असंतोषजनक है। संस्कृत भाषा का व्याकरण सीखने में कोई बच्चा अपने जीवन के 10-12 कीमती साल निकाल दे तो भी उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है। उदाहरण के लिए, खाद लिखने का मतलब होता है खाना, खादुति का मतलब होता है वह खाता या खाती है। यही शब्द नपुंसक लिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऐसे में बताइए, खादुति शब्द का अकेले में क्या मतलब निकाला जा सकता है? नासा का जो डायरेक्टर जनरल है रिक ब्रिक्स, उनके दो पेपर्स पड़े हुए गूगल अंकल पर, वो ये कहते हैं कि संस्कृत भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो अंग्रेजी में बीयूटी बट लिखा जाएगा, ठीक, जीयूटी गट लिखा जाएगा, एनयूटी नट लिखा जाएगा और जियो गो और TOO इनमें भेद नहीं कर पाएगा आपस में, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जो संस्कृत भाषा है वो अपनी विभक्ति के आधार पर, धातुओं के आधार पर एकदम परफेक्ट है, इसलिए संस्कृत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही भाषा के रूप में सर्वस्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन राजा राममोहन राय यह बात अंग्रेजों को प्रसन्न करने के लिए लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से उनके अपने निहित स्वार्थ थे। और जिस संस्कृत की बुराई, लंबा पत्र है, मैं और आगे नहीं पढ़ रहा, जिस संस्कृत की वो बुराई कर रहे हैं प्रारंभिक दिनों में, बाद में उसी संस्कृत में लिखे गए उपनिषदों का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अंग्रेजों ने तो कुछ दिया नहीं, अब बाद में तो समाज के साथ ही रहना है, तो ये समाज मेरा सम्मान बनाए रखे, इसलिए कुछ उपनिषदों पर काम कर लिया जाए। और वो उपनिषदों में ब्रह्म की बड़ी विशद व्याख्या करते हैं। ये कन्नोटेशन हमारे लिए समझना चाहिए हमें कि अंग्रेजी शिक्षा कोई बहुत अच्छी नहीं थी, उसकी अच्छाई ना तो अंग्रेजों के द्वारा की जा रही है और ना भारतीयों के द्वारा, लेकिन एक कन्नोटेशन ऐसा बन गया है कि उस कन्नोटेशन के चलते हमें वह भाषा अच्छी लगने लगी। और 1823 के इस पत्र का हवाला देकर 1828 में विलियम बेंटिक हिंदुस्तान में संचालित फारसी और अरबी के मदरसे और संस्कृत की पाठशालाओं को जो भी थोड़ा बहुत अनुदान देते थे वो बंद कर देते हैं। और बाद में मैकाले यह बात कहता है कि अंग्रेजी शिक्षा की बहुप्रतीक्षित जो मांग थी वह आज पूरी हुई है। दशकों से भारतीय समाज इस शिक्षा की मांग कर रहा था। और फिर 1835 के बाद भारत में अंग्रेजी के पाठशालाएं, अंग्रेजी के विद्यालय 1821 के बाद से भारत में दिल्ली में खुले, आगरा में खुले, इलाहाबाद में खुले, कलकत्ता में खुले, बम्बई में खुले, पूना में खुले, मद्रास में खुले, पूरे भारत में लाहौर में खुले, पूरे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विद्यालय और महाविद्यालयों का एक जाल सा बिछना शुरू हो गया। और 1853 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक पार्लियामेंट्री कमीशन बनाया जो भारत में लंबे समय तक कैसे कंपनी का शासन रह सकता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में देवनागरी लिपि को भी बंद करना चाहती थी।
और इस लिपि को बंद करने के लिए मैकाले का जो बहनोई है चार्ल्स ट्रेवलिन, उसने एक पत्र लिखा मैकाले को, और उसने लिखा कि भारत की सभी भाषाओं की लिपियां नष्ट कर देनी चाहिए, भारत की सभी भाषाएं मात्र रोमन लिपि में लिखी जानी चाहिए। तो वो कारण बताता है ऐसा क्यों, तो वो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की जो स्थानीय भाषा है उनमें विपुल साहित्य, और वो साहित्य बहुत ज्ञानवर्धक है, वो लिखा हुआ है। ये भारतीय समाज उस साहित्य को पढ़ता है और उस साहित्य को पढ़कर फिर हमें धता बताता है, अपने ज्ञान पर अभिमान करता है। जब वो साहित्य इनकी लिपियों में लिखा गया है, इनकी भाषाओं की लिपि रोमन हो जाएगी, तो दो तीन पीढ़ी बाद भारत का युवा अपनी भाषाओं में लिखे गए साहित्य को पढ़ना बंद कर देगा, और ऐसा करने से फिर वो हमारी लिपि में लिखा गया साहित्य पढ़ेगा, हम जो पढ़वाना चाहेंगे वो पढ़ेगा, जो लिखवाना चाहेंगे वो लिखेगा, जो सुचवाना जो दिखवाना चाहेंगे वो देखेगा। वो तो रहा नहीं भारत में, इसलिए 1853 में जो पार्लियामेंट कमीशन बना उसमें उसने यही बात कही, जब उससे पूछा गया कि आप क्या उपयुक्त समझते हैं कि भारत में लंबे समय तक कंपनी का शासन रहे, तो वो कहता है एकमात्र भारत की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था बदल देनी चाहिए, क्योंकि मैं 12 साल भारत में रहा, 6 वर्ष मैंने दिल्ली में बिताए, दिल्ली में अंग्रेजी शिक्षा शुरू नहीं हुई थी, इसलिए दिल्ली के लोग क्रांति की बातें करते थे, हमारी आलोचना करते थे, हमको मिलेच्छ मानते थे, और 6 साल में कलकत्ता में रहा क्योंकि कलकत्ता में हमने अंग्रेजी संस्थान पहले स्थापित कर दिए थे, इसलिए कलकत्ता के लोग हमारी स्तुति करते थे, हमारे जैसा बनना चाहते थे, हमारे जैसा दिखना चाहते थे, हमारे जैसा विचार करना चाहते थे, इसलिए हर क्रांति में वो हमारे साथ खड़े रहते थे, उनको लगता था कि इंग्लैंड श्रेष्ठ है, और इसलिए अनेक भारत के विद्वानों ने, उनमें से राजा राम मोहन राय भी एक थे और देवेंद्रनाथ ठाकुर भी, जो ये चाहते थे कि अंग्रेजों का शासन हमको देव योग से मिला है और हमें ये बना रहे, इसके लिए अपने देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर वही हुआ, H.S. Wilson नाम के एक व्यक्ति भी इस पार्लियामेंट्री कमीशन में आए, उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ हूँ 1775 में, मैं हिंदुस्तान में ही पला बड़ा हूँ, यदि हिंदुस्तान पर लंबे समय तक कंपनी को शासन करना है तो मेरा ये अनुभव है कि हिंदुस्तानी बड़ा सरल है, इसके दैनंदिन जीवन में हस्तक्षेप मत कीजिए तो ये लंबे समय तक आपके शासन को स्वीकार करेगा, लेकिन इसके यदि दैनंदिन जीवन में आपने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तो आप लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हतभाग्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का और सौभाग्य भारत का कि पार्लियामेंट्री कमीशन ने चार्ल्स ट्रेवलिन की रिकमेंडेशन को, चार्ल्स ट्रेवलिन के जो बयान थे उनको रिकमेंड किया और H.S. Wilson के बयान को अस्वीकार कर दिया। उसके फलस्वरूप 1857 के बाद 1858 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, और इतिहास साक्षी है कि भारत के जितने भी बड़े नेता हुए वो उन्हीं 3 विश्वविद्यालयों से पढ़कर बने जिन्होंने भारतीय स्वातंत्र आंदोलन का नेतृत्व किया। और आपको ताज्जुब होगा, लेकिन वो जो कॉलोनियल कन्नोटेशन था, वो जो उपनिवेशी वृतांत था, जो विदेशी शिक्षा की स्तुति थी, वह इन नेताओं के द्वारा भी लंबे समय तक की जाती रही। और यही कारण है 1947 में जब देश स्वतंत्र होता है, 14 अगस्त 1947 की रात को भारत का प्रधानमंत्री भारत की किसी भी देशज भाषा में राष्ट्र को संबोधित नहीं करता, वह अंग्रेजी में संबोधित करता है, जबकि उस समय अंग्रेजी को समझने वाले लोग 0.5% भी देश में नहीं थे। भारत की संविधान सभा की जो शपथ ली जाती है वह शपथ भी भारतीय भाषाओं में कम अंग्रेजी में ज्यादा ली जाती है। खान अब्दुल गफ्फार खान बलूच नेता एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने पहले हिंदुस्तानी भाषा में शपथ ली। यह विश्व उपनिवेशी वृत्तांत लगभग 190 साल तक भारत में समानांतर चलता रहा, और इस उपनिवेशी वृत्तांत का परिणाम है कि आज आजादी के 73 साल बाद भी हम अंग्रेजी के ब्याह मोह से मुक्त नहीं हो पाए हैं, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं,
भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या पढ़ना है, क्या अनिवार्य है, वह हम लागू नहीं कर पा रहे। और आपको ताज्जुब होगा, 19वीं शताब्दी में भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ रहा है, वह व्यक्ति जेम्स मिल और बाद में उसका बेटा। और आपको ताज्जुब होगा कि जेम्स मिल क्या था, जेम्स मिल बाबू था, जिसको हम कहते हैं डिस्पैच क्लर्क। भारत की जो डाक आती थी उस डाक को पढ़ता था और आगे सरकाता था, और वहाँ के जो जवाब लिखे जाते थे उन जवाबों को वो वापस भेजता था। बाद में उसकी ये कुशलता देखकर उसको असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर प्रमोट कर दिया गया, लेकिन काम वह यही करता था। एक बाबू ने भारत का भवितव्य बदल दिया, पूरी भारत की शिक्षा व्यवस्था बदल दी। और जो मैं कह रहा हूँ कि उपनिवेशी वृत्तांत आज भी वही है, आज भी भारत की शिक्षा व्यवस्था किसी शिक्षाविद के हाथ में नहीं है, बाबुओं के हाथ में है जो जेम्स मिल के ही वंशज हैं। वही भारत की शिक्षा व्यवस्था को आज भी नियंत्रित कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं, उसका दिग्दर्शन कर रहे हैं। और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था सही है और भारतीय विद्या व्यवस्था कल भी गलत थी। पवन जैसे लोग भारत को बैलगाड़ी युग में ले जाना चाहते हैं, इसलिए भारतीय विद्या व्यवस्था को लागू किया ही नहीं जा सकता। और यही कारण है कि भारत में NCF को 16 साल हो गए, 2005 में बना था नया NCF, हर 10 साल बाद रिवीजन होने की परंपरा रही है, लेकिन आज तक NCF को रिवाइज नहीं किया गया, क्योंकि लगता होगा शायद NCF में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, जबकि ये 10 साल बाद बदल जाना चाहिए था। यह उपनिवेशी वृत्तांत है जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को आज इस स्थिति में ले आया। भारत के प्रधानमंत्री अब यह सब जो दिशा निर्देश हमको दे रहे हैं, स्वदेशी, स्वावलंबन, यह भारतीय व्यवस्था में परिवर्तन आए बिना संभव ही नहीं होगा। जब तक भारत की विद्या व्यवस्था की पुनर्प्रतिष्ठापना नहीं होगी, तब तक तेन तत्तेन मुंजिता का मूल मंत्र भारत की जनता में प्रतिष्ठापित नहीं होगा। अपरिहार्य, जिसको हम कहते हैं अपरिग्रह, अपरिग्रह का मूल मंत्र हमारे जीवन में उतरेगा नहीं, न्यासी का सिद्धांत हमारे जीवन में समाविष्ट नहीं होगा। लोक परलोक की संकल्पना, ऋणों से ऋण होने की संकल्पना, आश्रम व्यवस्था के माध्यम से इसकी प्रतिष्ठापना संभव है, विद्या व्यवस्था के माध्यम से मनुष्य सुख की प्राप्ति कर सकता है, यह नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर, वैसे तो पूरे ही क्षेत्रों में उपनिवेशी वृत्तांत बदलना चाहिए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यह अत्यधिक अनिवार्य है। समय मुझे लगता है जो मुझे दिया गया था उससे बहुत ज़्यादा हो गया है, कुछ बातें मुझे स्किप करनी पड़ी हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने समय भी थोड़ा ज़्यादा ले लिया और बात भी पूरी नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात हो तो मैं बता सकता हूँ। कुछ लोगों के प्रश्न थे कि ये वर्तमान में कैसे लागू होगा, तो मुझे लगता है कि NCF जब तक बदला नहीं जाएगा और जब तक प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में भारतीय जो विचार परंपरा है, इसका मतलब ये नहीं कि वैश्विक परंपरा को बिल्कुल नकार दिया जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है, आज हम अपने जिले के बारे में नहीं जानते, अपने गाँव के बारे में नहीं जानते, हमारे गाँव के किनारे पर कौन नदी बहती हम नहीं जानते, लेकिन इंग्लैंड में कौन नदी बहती है ये हम जानते हैं। हम टेम्स नदी की उत्पत्ति, अभ्युदय और विकास जानते हैं, लेकिन हम अपने गांव की नदी का विकास नहीं जानते। हम अपने घर के परिवार का इतिहास नहीं जानते, लेकिन हम विदेश के तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं या भारत के भी जो सेलिब्रिटीज हैं उनके पूर्वजों को जानते हैं। इसलिए जब तक NCF बदल कर पाठ्यचर्या संशोधित होकर पाठ्यक्रमों का निर्माण में स्थानीयता को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि लोकल जब तक वोकल नहीं होगा, तो ये लोकल वोकल सिर्फ उत्पादन के क्षेत्र में नहीं बल्कि ज्ञान के क्षेत्र में भी जब तक प्रतिष्ठापित नहीं होगा, तब तक यह वृत्तांत बदलेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। इतनी आवश्यकता है इस वृत्तांत को हम बदलने की कोशिश करें। हम शिक्षा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता हैं,
शिक्षा क्षेत्र में सभी कार्य करने वाले हम विद्यार्थी हैं, अध्येता हैं, अध्यापक हैं, हमें ये चाहिए कि किसी भी प्रकार से जो शोध हम कराएं उसमें अपनी परंपरा को भी स्थान दें। परंपरा में हमारे पास क्या था, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के चलते हमने क्या क्या खो दिया। धर्मपाल जी की किताब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी 18th सेंचुरी, उसको जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है भारत की विद्या व्यवस्था में हजारों हजार लोहे की भट्टियां नदियों के किनारे पर क्रियाशील थीं, ठीक है, लेकिन हमने शिक्षा के चलने के बाद में उन भट्टियों को नष्ट कर दिया। हम चेचक का इंजेक्शन बनाते थे भारत में, बाद में वर्धमान के कलेक्टर ने उस चेचक के इंजेक्शन को बंद किया और फिर बाद में अपने नाम से इंट्रोड्यूस किया। हम जिनको बहुत बड़ा शिक्षाविद मानते हैं उन्होंने भारत में पुस्तकों के व्यापार को, पुस्तकों के मार्केट को खड़ा किया है, ये तो हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, हम सब लोग जहां पर भी हैं, जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, पाठ्यचर्या जब बदलेगी तब बदलेगी, लेकिन हमको विषय रखने का अधिकार तो हमारे पास है। विद्यार्थी हमारी ताकत है, भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय व्यवस्था ने हमको अध्यापक का दायित्व दिया है, हम अध्यापकीय दायित्व का उचित प्रकार से निर्वहन करें। मैं बार बार कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा वयम राष्ट्रे जागरयाम, यजुर्वेद कहता है वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिता, हम अपने अपने क्षेत्र के नेतृत्व करता है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भारतीय विद्या को शिक्षा के स्थान पर प्रतिष्ठापित करने की कोशिश करें। और विद्या व्यवस्था प्रतिष्ठापित करने का अभिप्राय कोई पुरातनपंथी हो जाने वाला नहीं है, बैलगाड़ी में चलने वाला नहीं है, धोती कुर्ता पहनकर घूमने वाला नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आना है, लेकिन लोक और परलोक दोनों सधेंगे। कणाद तो वैज्ञानिक है, एटॉमिक साइंटिस्ट है, वो कहता है ये तो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि सधर्म, धर्म क्या है, निश्रेष की प्राप्ति। ये निश्रेष क्या है, यह लोक और परलोक इसकी प्राप्ति है। स्टीफन हॉकिंग भी वैज्ञानिक है, स्टीफन हॉकिंग की किताब लेटेस्ट, मैं आजकल बार बार उसका उद्धरण दे रहा हूं, ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस को हम जब पढ़ते हैं तो भी ध्यान में आता है, वह भी कणाद की भांति बात कर रहा है, कणाद से थोड़ा इतर कर रहा है, लेकिन भाव उसका भी वही है कि लोक की भी चिंता करनी पड़ेगी और परलोक, वो परलोक उस सेंस में नहीं कह रहा है जिस सेंस में कणाद कहते हैं, क्योंकि शिक्षा का अनुगामी है, विद्या जैसा उसका परिचय नहीं है, लेकिन चिंता वह भी कर रहा है, इस पृथ्वी की तो चिंता कर ही रहा है। तो इस पृथ्वी की चिंता शिक्षा व्यवस्था पर अवलंबित होकर नहीं हो सकती, विद्या व्यवस्था की प्रतिष्ठापना करनी ही होगी, तभी लोक और परलोक दोनों साधे जाएंगे, उसके बिना नहीं तो इसी प्रकार की महामारियां आती रहेंगी। मुझे लगता है कि इतनी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, फिर कभी आप लोग अवसर देंगे तो आगे की जो गैप्स छूट गए हैं उन पर बात करूंगा। ठीक है सोमू, और कोई चीज, चलिए आप लोगों ने मुझे लगभग 1 घंटा 50 मिनट ध्यान से सुना है, मुझे 1.5 घंटा अलॉट किया था सोमू ने, 20 मिनट मैंने ज़्यादा ले लिया, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इस सुनकर उपनिवेशी वृत्तांत को हम बदलने की कोशिश कर स्वदेशी वृत्तांत के प्रतिष्ठापित करेंगे, तो मुझे लगता है आज का ये उद्बोधन सार्थक होगा। फिर कभी मिलेंगे इसी आशा अपेक्षा के साथ, आप सबका धन्यवाद, नमन।